मैं आचार्य विमल सागर सूरी तमिलनाडु से समस्त जैन समाज को सावधान कर रहा हूं, जीत या सफलता का भ्रम न पालें। 5 जनवरी 2023 गुरुवार को शाम तक जो भी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या समाचार विभिन्न माध्यमों से यहां प्राप्त हुए हैं, उनमें ऐसा कुछ भी फलित नहीं होता कि श्री सम्मेत शिखर जी के पार्श्वनाथ पहाड़ को किसी भी तरह से पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा। वहां तो सिर्फ शराब, मांसाहार आदि के प्रतिबंध की बातें ही कही गई है। ध्यान रहे कि श्री सम्मेत शिखर जी के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चे की झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल या व्यापारी केंद्र न बनाने की अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की है। उधर झारखंड के अपने यहां मोदी भक्त जो भी साधु साध्वी और श्रावक हैं, वे अक्सर ये प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री पर अंगुली न उठाई जाए, तो कृपया वे बताएं कि पालीतना और गिरनार में अब तक जैन समाज के साथ जो अन्याय, अत्याचार हुए हैं अथवा अतिक्रमण, उत्खनन और असामाजिक गतिविधियां जो चल रही हैं, वे सब किसके शासन काल में चल रही हैं? मोदी जी, अमित शाह, रूपाणी, भूपेंद्र भाई पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पापाचार को रोकने के कौन कौन से कदम उठाए हैं? जिसने पालीतना को आग लगाने की बात कही, जो साधुओं को मारने आए, जो स्थानीय जनता को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, जो 5 वर्षों में पालीतना को सनातन तीर्थ बनाने की आपराधिक शिक्षाएं देकर समाज में जहर घोल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है? मैं आचार्य